हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं विटेक। तो क्या होता है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, हमें इसकी जरूरत क्यों है और ये कैसे यूज करते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब आप नॉर्मली कोई सीपीयू खरीदते हैं, चाहे वो i3, i5, i7, कोई भी सीपीयू हो, उसके साथ आपको उसकी स्टैंडर्ड क्लॉक स्पीड मिलती है, वो चाहे 2 GHz हो, 2.4, 2.8, 3, 3.2, 3.4, जितने भी GHz हो। इसका मतलब ये है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो सीपीयू है, वो प्रोसेसर है, वो कितनी जल्दी, उसकी क्या क्लॉक स्पीड है और कितनी जल्दी टास्क को प्रोसेस कर सकता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक सीपीयू खरीद के लाए हैं जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz, यानी कि वो उसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 2.4 GHz। आपके सीपीयू में अगर आप 3D रेंडरिंग करते हैं, आप वीडियो एडिट करते हैं, जितना भी लोड डालते हैं, तो सिर्फ 2.4 GHz तक की क्लॉक स्पीड डिलीवर कर सकता है आपको। और जो कम लोड अगर आप अपने सीपीयू को देंगे, मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, सिंपल इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, तो वो अपने 2.4 GHz को मैक्सिमम ना ले जाते हुए कम क्लॉक स्पीड में चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और वो स्कूल 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा अपने फर्स्ट पीरियड के शुरू होने से पहले, और उसका सिर्फ रास्ता घर से स्कूल तक का 5 मिनट तक का है, तो वो क्यों भागा दौड़ी में जाएगा जब उसे पता है कि मैं 1 घंटा पहले पहुंच रहा हूँ। वो अपने मजे से आराम से चलेगा। ऐसे ही कुछ सीपीयू के साथ है। अगर आप अपने सीपीयू को कम लोड देंगे तो आपका जो सीपीयू है वो अपनी क्लॉक स्पीड को कम रखेगा, वो ज़्यादा नहीं रखेगा। इससे आपका प्रोसेसर गर्म भी नहीं होगा और वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा। और अगर आप हैवी लोड देते हैं तो अपनी स्टैंडर्ड क्लॉक स्पीड पर चलेगा, जो कि है 2.4 GHz, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था। दोस्तों, फिर ऐसे में आप कई बार सोचते होंगे, जैसे आपका सीपीयू 2.4 GHz का है, कि यार ये तो काफ़ी कम है, मुझे और भी चाहिए, तो आप अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक करने की सोचते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने अपने सीपीयू जो है 2.4 GHz का, उसे ओवरक्लॉक करके 3 GHz तक का बना दिया है। अब आपने ओवरक्लॉक तो कर दिया, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब ओवरक्लॉक किया है तो वो स्पीड से तो काम करेगा ज़्यादा, पर अगर वो ज़्यादा काम करेगा, उस पर ज़्यादा लोड रहेगा और ज़्यादा पावर से काम करेगा तो ज़्यादा हीट होगा, और अगर वो ज़्यादा हीट होता रहा और अगर आप उसको ज़्यादा कूलिंग नहीं दे पाए और उसको लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 घंटा, तो आपका प्रोसेस जल भी सकता है, आपका सीपीयू मतलब खराब डैमेज हो सकता है, वो जल जाएगा हीट के कारण। तो दोस्तों, ओवरक्लॉकिंग से बचने के लिए ही और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कि हमें और गीगाहर्ट्ज़ चाहिए और क्लॉक स्पीड चाहिए, इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इंटेल ने अपनी टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिलती है नए लेटेस्ट प्रोसेसर्स में, वो है i5, i7, i3 में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, और i5 और i7 के वेरिएंट्स में आप टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। दोस्तों, टर्बो बूस्ट फीचर का काम क्या है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इस फीचर की मदद से जो आपका सीपीयू है वो खुद अपने ऊपर गिरने वाले लोड की वजह से अपनी क्लॉक स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक सीपीयू है i7 750, कोर i7 750 इसका नाम है सीपीयू का। अब उस सीपीयू की जो स्टैंडर्ड क्लॉक स्पीड है वो है 2.66 GHz, और जो उसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो जा सकती है टर्बो बूस्ट की मदद से 3.2 GHz। अब मान लीजिए आपके सीपीयू, आपके कंप्यूटर में वो सीपीयू है और आप नॉर्मल मूवीज देख रहे हैं, वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी से लो चलेगा, कम चलेगा पावर को कंज्यूम करने के लिए और ताकि वो हीट ना हो। और मान लीजिए आपने सडनली गेम खेलने चालू कर दिए हैं और आपने 3D रेंडरिंग, 4K रेंडरिंग, मतलब हाई जो वीडियो एडिटिंग टूल है उनमें आप काम कर रहे हैं, तो दोस्तों 2.66 GHz उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आपका सीपीयू उसके ऊपर पड़ने वाली वर्क लोड को परखेगा, मतलब कि अगर आप 3D रेंडरिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड होगा, और अगर ज़्यादा लोड होगा तो वो उस टेक्नोलॉजी की मदद से 2.6 GHz को 3.2 GHz तक ले जा सकता है। अब अगर आपकी क्लॉक स्पीड 2.6 से 3.2 GHz तक रेज होगी, जो डिफरेंस आएगा, यानी कि आपका सीपीयू पिछली बारी के मुकाबले इस बार ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा तेजी से चीजों को प्रोसेस कर सकता है। यही है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की, आपका सीपीयू कम क्लॉक स्पीड से ज्यादा क्लॉक स्पीड के बीच में अपने आप को चेंज कर सकता है, आपके आपकी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप कोई अपने सीपीयू पर लोड दे रहे हैं तो वो ज्यादा कर देगा, अगर नहीं दे रहे तो कम कर देगा, अगर आपके सीपीयू में ज्यादा हीट हो चुकी है तो वो उसे
कूल रखने के लिए थोड़ी देर के लिए उस क्लॉक स्पीड को गिरा देगा, कम कर देगा, और जब तक आपका सीपीयू कूल होगा, कूल होने के बाद भी वो उसे थोड़ी देर के लिए बढ़ा देगा। दोस्तों ऐसे वो स्विच करता रहता है, इसे ही कहते हैं हम टर्बो बूस्ट एनर्जी। अब इसकी ज़रूरत क्या थी, मान लीजिए आप पुराने समय में ड्यूअल कोर या क्वाड कोर खरीदते थे तो इन दोनों का अपना अलग एक टेस्ट था। मान लीजिए आप एक गेमर है, नॉर्मल गेमर है, तो आपको ड्यूअल कोर पसंद होगा क्योंकि ड्यूअल कोर में सिर्फ हम गेम्स ही ज़्यादा खेलते थे, वो प्रोडक्टिविटी टूल नहीं था, मतलब कि वीडियो एडिटिंग के लिए, 3D रेंडरिंग या इन सब चीज़ों के लिए वो था ही नहीं। अगर आपको ये चीज़ करनी थी आपको खरीदना पड़ता था क्वाड कोर। पर दोस्तों टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया। मान लीजिए आपका एक क्वाड कोर i5 750 प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर का नाम है, और आप उस प्रोसेसर में गेम्स खेलते हैं। अब मान लीजिए गेम की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 कोर की, तो जो बाकी की पिछली 2 कोर है वो रेस्ट करेंगी, सीपीयू उन्हें रेस्ट देगा कि तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम 0 यूसेज पे रहो, और जो 2 कोर है उनको गेम के लिए यूज़ करेगा। इसके लिए इससे आपका सीपीयू कम हीट होगा, आपके पास 2 खाली कोर है और जो गेम को जितने भी कोर चाहिए उतनी कोर यूज़ में है। ऐसा ही रेंडरिंग के साथ है, अगर मान लीजिए आप रेंडर कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो वो जो 2 कोर थी सीपीयू उन्हें भी यूज ले लेगा सॉफ्टवेयर की यूसेज के हिसाब से। अगर उसे मल्टी कोर चाहिए या फिर सिंगल कोर चाहिए, जितनी भी कोर चाहिए वो उन्हें उतनी कोर लेगा और उन्हें उतना ही बूस्ट देगा जितना आपके सॉफ्टवेयर को चाहिए, जितनी स्पीड से आपके सीपीयू को चीज़ें प्रोसेस करनी है। और अगर नहीं चाहिए तो उन्हें भी नीचे कर देगा, उनका भी कोई यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा करके आपका सीपीयू बार बार चेंज करता रहता है चीज़ों को, फ्रीक्वेंसी को, क्लॉक स्पीड को बढ़ाता है घटाता रहता है आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से, आपके वर्कलोड के हिसाब से। यही है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Where are you?